वहाँ नीचे हमें अभी मरल दिखाई दिया है, देखते हैं उसका शिकार होता है या नहीं होता है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप छोटे मरल कैसे पकड़ सकते हैं और कौन से फ्रॉग से आप छोटे मरल पकड़ सकते हैं। वैसे तो इस फ्रॉग से आप छोटे बड़े दोनों तरह के मरल पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे मरल पकड़ना चाहते हैं तो ये फ्रॉग आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे पहले तो आप देख लें इससे कितना अच्छा शिकार होता है मरल का। दूसरा है वो नहीं आया, वो तो ऊपरी फिर रहा ली। और वो मरल भी इस फ्रॉग से बहुत अच्छे पकड़े जाते हैं दोस्तों, जो पानी के ऊपर दिखाई देते हैं। आप उनके पास में फेंकिए, वो डायरेक्ट इस फ्रॉग को आसानी से पकड़ेंगे। देखिए साइज देखिए कितना छोटा है ये दोस्तों, आप छोटे मरल इस फ्रॉग से आसानी से पकड़ सकते हैं। अभी 2 महीने दोस्तों मरल का शिकार है, जो उसका बेस्ट टाइम 5 बजे के बाद है। अभी अगर आप मरल फिश का शिकार करने जा रहे हैं तो शाम के 5 बजे जाएं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इस टाइम पर, अगर आप शाम के टाइम पर शिकार करने जाते हैं मरल फिश का। देखिए कितना छोटा इसका साइज़ है। जिस फ्रॉग की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, वह लुकाना का दुश्मन फ्रॉग है दोस्तों। उसका वेट है 14 ग्राम। 14 ग्राम को आपको फ्रॉग यूज़ करना है छोटे मरल अगर आप पकड़ना चाहते हैं। इससे वैसे तो छोटे और बड़े दोनों तरह के मरल पकड़े जाते हैं। देखिए अब की बार जिसने अटैक किया, यह थोड़ा उससे बड़ा है, इसलिए आप इससे छोटे और बड़े दोनों तरह के आप इससे मरल आसानी से पकड़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए फ़िशिंग से रिलेटेड चारा चराई और फिशिंग की वीडियो लेके आता रहता हूँ। और वीडियो को हमारी लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। ये देखिए इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है उससे पहले वाले से, तकरीबन ये 1 किलो के आसपास का है। पिछले वीडियो में भी हमने दोस्तों इसी फ्रॉग से मरल फिश का बहुत अच्छा शिकार किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं।